नमस्कार, आज हम लाल उपकरण धूमकेतु 7.1 ध्वनि यंत्र का समीक्षाकरण करेंगे। धन्यवाद। तो आज हम रिव्यू करने वाले हैं रेड गेयर कॉमेट 7.1 गेमिंग हेडसेट, और जैसे कि आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़े हेडसेट्स हैं। ये 526 ग्राम्स के अराउंड वे करते हैं, जो कि आई थिंक हेडफोन्स के हिसाब से बहुत हैवी है, लेकिन ये एक गेमिंग हेडसेट है तो बनता है इनका। सबसे पहले मैं इनके बॉक्स के बारे में बात करना चाहूँगा कि वो मेरे पास नहीं है। ये हेडफोन्स मेरे पास पिछले 2 साल से हैं, तो इसका बॉक्स कहीं मिसप्लेस हो गया, फेंक दिया या जला दिया, पता नहीं उसका क्या हुआ, बट बॉक्स अब नहीं है। तो मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हैं बॉक्स की, कुछ क्या एक ही फ़ोटो है, और इसके बॉक्स कंटेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत आपको डिटेल दे देता हूँ। तो बॉक्स काफ़ी कैजुअल सा है और ज़्यादा प्रोटेक्टिव सा नहीं है, वो एकदम ढीला ढाला सा बॉक्स है। बॉक्स के अंदर तो सबसे पहले आपको हेडसेट मिल जाएंगे, और उसके बाद यूज़र मैनुअल और एक रेड गियर का छोटा सा स्टिकर मिलेगा, प्लस इनके ड्राइवर के लिए एक CD मिलेगी, जो कि आई थिंक अब ज़्यादा काम नहीं आएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द लैपटॉप्स और CPUs में अब CD ड्राइव भी अवेलेबल नहीं होता है। और उसका भी एक सोल्यूशन है कि ऑनलाइन भी आपको इसका ड्राइवर इजीली मिल जाएगा, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। तो बात करते हैं अब इन हेडफोन्स की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने अभी तक इसकी टॉप की पन्नी नहीं निकाली है, क्योंकि क्यों निकालूं मैं। तो इसके टॉप में जो 2 एरियाज़ आप देख रहे हैं, वो मेटल की थिन शीट्स हैं, और ये प्रोटेक्शन के लिए ऊपर से, जो कि बहुत अच्छा है। हेडफोन्स के दोनों तरफ RGB लाइटिंग है, और दोनों के सेंटर में आप देख सकते हैं रेड गेयर का लोगो है, जो कि ट्रांसलूसेंट है। तो जो भी मोड आप LED का सिलेक्ट करने वाले हैं, तो वो इसमें दिखेगा। इसमें एक अटैच्ड माइक्रोफोन भी है। माइक्रोफोन के टॉप में एक रेड कलर की LED इंडिकेटर है, जो कि ये बताएगा कि आपका माइक्रोफोन ऑन है कि नहीं। हेडफोन के लेफ्ट के बॉटम बैक में आपको एक वॉल्यूम स्क्रोल मिल जाएगा, और एक बटन भी है डेडिकेटेड, वो LED और माइक दोनों के लिए काम करेगा। सिंगल टैप में माइक्रोफोन ऑन एंड ऑफ हो जाएगा, और अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो ये LED मोड स्विच करेगा। इसके अंदर के क्वेश्चंस की बात करूँ तो ये बहुत सॉफ्ट हैं, तो आपको उतना कोई दिक्कत होने नहीं वाली है अगर आपके लॉन्ग सेशंस भी हुए तो। प्लस ये ओवर द ईयर है, तो ये आपके पूरे कानों को ढक लेते हैं, और ये ऊपर से आपके कानों में प्रेशर नहीं डालते, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा स्ट्रेन नहीं होगा कानों में, जो कि बहुत सारे ऑन ईयर हेडफोन्स में प्रॉब्लम ये होती है कि कान जब दब जाते तो थोड़ी देर बाद वो दर्द करने लगते हैं। वो इशू इन हेडफोन्स में से मुझे तो बिल्कुल नहीं हुई। अब इन हेडफोन्स की साउंड क्वालिटी और गेमिंग एक्सपीरियंस की मैं बात करता हूँ, तो साउंड क्वालिटी के हिसाब से मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता देता हूँ कि ये हेडफोन्स मल्टीमीडिया और म्यूज़िक लवर्स के लिए तो बिल्कुल ही नहीं है। पहली बात, आपको इसमें बेस तो फील होगा ही नहीं, इसका ट्रेबल बहुत ज़्यादा है, और जो हाई फ्रीक्वेंसीज हैं वो इसमें ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू द लो फ्रीक्वेंसीज। तो गेमिंग में ये ज़्यादा काम आता है, क्योंकि आपको फुटस्टेप्स वगैरह सुनने के लिए हाई फ्रीक्वेंसीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो उस चीज़ में तो ये बहुत अच्छे से काम करता है। गेमिंग का मैं एक्सपीरियंस बताता हूँ, तो मैंने इसमें बहुत सारे गेम्स खेले हैं। मैंने इसमें काउंटर स्ट्राइक ग्लोबल ऑफेंसिव खेला है, इवन क्योंकि मेरे फ़ोन में अच्छे से PUBG मोबाइल चलता नहीं था, तो मैं एम्युलेटर से इसमें ही खेलता था। और इनका सराउंड साउंड बहुत अच्छा है, और बहुत एक्यूरेट भी, और एनिमीज़ का डिस्टेंस भी आप बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाते हैं उनसे। तो गेमिंग एक्सपीरियंस के मामले में मैं बोलूँगा गेमिंग के लिए तो बहुत अच्छे हेडफोन्स हैं, एंड थस गेमिंग हेडसेट्स। और ये डेडिकेटेड PC या फिर PlayStation वगैरह के लिए बने हुए हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन USB से है। इसमें 3.5 mm जैक आपको नहीं मिलता है, तो ये फ़ोन से कनेक्ट नहीं होते। मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ पढ़े थे इससे पहले कि ये फ़ोन में भी कनेक्ट हो जाते हैं OTG के थ्रू। मैंने OTG से कनेक्ट किया था तो सिर्फ LED जल रही थी, और हेडफोन्स काम कर ही नहीं रहते। इनके केबल की बात करूँ तो ये केबल बहुत लंबी है, लाइक अप्रॉक्सीमेटली 2 meters लेंथ है इनकी। ये ब्रेडेड केबल है, और इनकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। आप जब इनको परचेस करेंगे अगर, तो अलग ही आपको फील हो जाएगा कि बहुत प्यारी क्वालिटी है इनकी। तो इसमें जो डेडिकेटेड माइक है उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, मैंने इनसे बहुत सारे कॉल्स भी अटेंड किए हैं, और उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। प्लस अगर आप ऑनलाइन क्लासेस या ऐसी कोई मीटिंग अटेंड करते हो और आपको लगता है कि आपका माइक्रोफोन गलती से ऑन तो नहीं हो गया, आप इसी का एक बटन बंद करके ख़त्म ही कर दो ना बात। इनके माइक्रोफोन के भी क्वालिटी टेस्ट मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो इन हेडफोन्स का ये एक माइक्रोफोन टेस्ट है, मैं ये कल करना ही भूल गया था, तो मैं इसका टेस्ट एक दिन बाद कर रहा हूँ। इसकी ऑडियो आपको कैसी लगी वो आप कमेंट करके बता सकते हैं। इन हेडफोन्स के माइक्रोफोन का ऑन एंड ऑफ बटन है, वो भी यूज़ करके मैं आपको बता देता हूँ। मैं कंटिन्यूसली अभी बोलता रहूँगा, कुछ भी बोलूँगा अगर दिमाग में आता रहे तो, जैसे कि अभी मैं कंटिन्यूसली बात कर रहा हूँ और मैंने एकदम से इसको बंद कर दिया, तो
और जैसे मैंने ऑन किया है तो ये वापस कंटिन्यू हो जाएगा। इनकी ऑडियो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है और आप इसको मे बी थ्रू कंट्रोल पैनल या फिर इसका जो सॉफ्टवेयर ड्राइवर है उससे भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। इन हेडफोन्स के बारे में एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, तो इनमें 50 mm के साउंड ड्राइवर्स हैं और ये काफ़ी लाउड जा सकते हैं, तो आप कभी भी, मेरे को नहीं लगता कि इसको 100% वॉल्यूम में कभी चलाना चाहोगे, क्योंकि ये ऑलमोस्ट एक छोटे स्पीकर जितने तो वॉल्यूम दे ही देते हैं। इन हेडफोन्स के लिए एक डेडिकेटेड सॉफ्टवेयर ड्राइवर भी है, मैं उसका भी आपको ओवरव्यू एक दे देता हूँ। उसके अंदर चार अलग अलग ऑप्शन है, एक इक्वलाइजर है, एक इफेक्ट है, एक माइक्रोफोन का सेटिंग्स है और एक वर्चुअल 7.1। ये हेडफोन 7.1 सराउंड साउंड को भी सपोर्ट करते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी है। नॉर्मल यूज़ ही इसका आई थिंक परफेक्ट यूज़ है। इक्वलाइजर के अंदर आप चार अलग अलग प्रोफाइल्स रख सकते हैं और आपको इनके साथ जैसे भी खेलना आप खेल सकते हैं, अलग अलग प्रोफाइल्स रख सकते हैं किसी और काम के लिए या फिर किसी पर्टिकुलर गेम्स के लिए अलग आपको प्रोफाइल बनाना है तो वो भी आप कर सकते हैं। इनमें एक 3D मोड है इक्वलाइजर के अंदर, जो कि आई थिंक एक तरह से सिर्फ वॉल्यूम एनहांस करता है और उतना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है सराउंड साउंड में। इफेक्ट्स के अंदर अलग अलग मोड्स हैं, जैसे कि थिएटर, बाथरूम, लिविंग रूम और कॉरिडोर। आपको अगर अलग साउंड एक्सपीरियंस चाहिए तो आप इन अलग अलग इफेक्ट्स को ट्राई करके वो एक्सपीरियंस ले सकते हैं। फिर माइक्रोफोन की सेटिंग है, जिसके अंदर आप माइक्रोफोन ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। माइक्रोफोन का एक बूस्ट भी है जिसमें आप एक्स्ट्रा इनपुट ले सकते हैं अपनी वॉइस का, प्लस आप उसके लेवल्स भी सेट कर सकते हैं। वर्चुअल 7.1, इसके अंदर आप इसका 7.1 सराउंड साउंड जो है वो एनेबल कर सकते हैं, प्लस एडजस्ट भी कर सकते हैं कि आपका सराउंड साउंड प्रॉपर है कि नहीं। मुझे एक्चुअली ये थोड़ा रोटेट करना पड़ता है क्योंकि इसका सराउंड साउंड प्रॉपर नहीं है। इसका जो लेफ़्ट स्पीकर है वो ज़्यादा डोमिनेट करता है इन वॉल्यूम, तो मुझे इसको थोड़ा सा और एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन फिर भी मैं यूज़ ही नहीं करता हूँ क्योंकि उतनी ज़रूरत ही नहीं पड़ती इनकी। ये ऑलरेडी बहुत अच्छा साउंड करते हैं और इसका सराउंड साउंड नॉर्मल यूज़ में भी बहुत अच्छा चलता है। तो ये था एक छोटा सा रिव्यू रेडगेयर के कॉमेट 7.1 का। ये अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में तो अवेलेबल है ही, बाकी और भी वेबसाइट्स में ये अवेलेबल होंगे। इन माई ओपिनियन इस प्राइस में ये बहुत अच्छे हेडफोन्स हैं, तो यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट इफ़ यू आर अ गेमर।